Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाह रहा हूँ और वो चीज़ ये है कि ब्राज़ील ने जब अपनी बैंकरप्सी फाइल की तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन इकोनॉमिकली वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। सो वो न्यूक्लियर वेपन्स जो थे या जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो हो रही थी वो किसी काम की नहीं रही। इकॉनमी बहुत करती है और जो लोग आजकल ड्राइंग रूम्स में बैठकर सिगार लगाकर, कोहिबन सिगार्स लगाकर, बड़े लंबे लंबे कोहिबन सिगार्स लगाकर और बड़े महंगे महंगे कोहिबन सिगार्स लगाकर गुफ्तगू करते हैं ड्राइंग रूम्स में कि जनाब ऐसे हो जाएगा इकॉनमी और वैसे हो जाएगी इकॉनमी, मैं उनके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मेरा दिल दुखता है। वो इसलिए कि जनाब सोवियत यूनियन आपके सामने, ब्राज़ील आपके सामने इकॉनमी मैटर करती है और फौज जो आज तड़प रही है कि इकॉनमी को सीधा करे, उसका राइट बनता है कि जनाब वो इसको कह सके और कहे कि जनाब इकॉनमी सीधी करे, क्योंकि अगर आप इकॉनमी सीधी नहीं करेंगे तो फौज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी आप कह लें, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैटर करती है इकॉनमी फौज के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी। सो जिन लोगों ने रुथलेस किस्म की बोरविंग की है, रुथलेस किस्म की बोरविंग, और इतने खूनख्वार तरीके से उन्होंने जनाब यहां पे कर्जे लिए हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जनाब ये मुल्क है तो आपकी सल्तनत, आपकी हुक्मरानी और आपका जनाब यहां पे अरूज देखने को मिलेगा, और अगर ये मुल्क नहीं होगा तो आपकी ना सल्तनत होगी, ना हुक्मरानी होगी, ना आपका अरूज होगा। सो इस मुल्क के लिए इकॉनमी बहुत ज़रूरी है और अगर फौज इसमें अपना कंसर्न शो करती है कि जनाब इकॉनमी ठीक होनी चाहिए मुल्क की, तो वो गलत नहीं कह रही, नंबर वन। नंबर टू, इस इकॉनमी को हम सही कैसे कर सकते हैं? इस इकॉनमी को सही करने के तरीके अभी भी मौजूद हैं, ये तरीके मौजूद नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको कि ये तरीके मौजूद नहीं है कि यूएई के बैंकों से आप कर्जे लें और फौज को या दूसरे लोगों को आप जनाब तसल्ली दें। मैं हुक्मरानों के लिए ये बात कह रहा हूं कि जनाब आप फौज के लिए और या दूसरे लोगों को आप ये तसल्ली दें कि जनाब हम इकॉनमी जो है ठीक कर लेंगे। वो आप यूएई के बैंकों से कर्जे लेकर इस इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। एक और, ये जो आप कहते हैं जनाब कि अमेरिका 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 अमेरिका, ठीक है जनाब, अमेरिका के जो इस वक्त ट्रंप बैठे हुए हैं उनसे साथ आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करें, आपका राइट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे शहादतें दी हैं। हम इतना सफर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के सिविलियन इदारों ने जितना यहाँ पे शहादतें दी हैं किसी मुल्क ने नहीं दी। एक छोटे से छोटा वाकया होता है किसी भी यूरोपियन कंट्री में, किसी भी बाहर के, उसको इतना बड़ा करके पेश कर दिया जाता है, लेकिन जो शहादतें, जो यहाँ पे कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं वो कहीं पे मिसाल नहीं मिलती। सो उसको एक्नॉलेज करें, और एक्नॉलेज अगर नहीं करवा सकते हम तो हमारा फेलियर है, किसी और का फेलियर नहीं है। और अमेरिकन्स
का जो यहां पे रिजिड एटीट्यूड है वो इसलिए है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. द रीजन इज कि इफ दे आर वॉचिंग देयर इंटरेस्ट सो व्हाई कांट वी वॉच आर इंटरेस्ट. सो वी शुड स्टार्ट वॉचिंग आर इंटरेस्ट. हमारा इंटरेस्ट क्या है तो हमें वो देखना है. इन सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा. और दूसरी बात एक और है जनाब के बड़ा हम शोर में कि पीआईए के पास जहाज कम है, अमला ज्यादा है और जनाब पीआईए के जहाज खराब हो जाते हैं, पीआईए की सर्विस ठीक नहीं है या पीआईए के अंदर प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, लेकिन पीआईए के पास रूट्स भी बहुत अच्छे हैं और मेजॉरिटी जो लोग हैं पीआईए के अभी भी कमिटेड है पीआईए के साथ. पीआईए को ठीक करने के लिए अभी भी कई लोग जनाब बैठे हुए बाहर बैठे हुए जो को पहले यहां पे ठीक करने के लिए आए थे लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम से मुराद ये है कोई पॉलिटिक्स हो गई यहां पे वो उसको पीआईए को ठीक करने आए, कोई पॉलिटिक्स चल गई उसके बाद जनाब उनको जाना पड़ गया. तो वो अभी भी ठीक करने के लिए तैयार है पीआईए को, लेकिन पीआईए को क्या खुद हम लोग ठीक करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है. कभी आप देखते हैं यहाँ पे तस्वीर जनाब किसी पायलट की कि जनाब वो पीछे सोया हुआ है, जनाब उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपको नजर आ जाती है, जनाब के ऑटो पे जहाज चल रहा है और पीछे पायलट सोया हुआ है और आप बहुत उस पर जनाब आईब्रोज रेस कर. लेकिन देखे किसी ने अगर कोई नशा करना है तो वो जाने और उसका काम जाने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं. नशा करना है करें आप, कोई और काम आपने करना है वो आप करें, आपकी मर्जी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. मैं उस पर कौन होता हूं उंगली उठाने के लिए. लेकिन द पॉइंट इज कि अगर कोई फ्लाइट चल रही है, अगर कोई जहाज चल रहा है, जहाज के अंदर जनाब कोई पायलट अपनी ईमानदारी के साथ और प्रोफेशनली साउंड पायलट और उसके साथ को पायलट प्रोफेशनली साउंड हो और वो बैठा हुआ कॉकपिट में अपना जहाज चला रहा है और इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आ रहा है तो उसकी आईज एंड ईयर्स उसका क्रू होता है जो पीछे है. जो क्रू है जो पीछे है वो उसके आईज एंड ईयर्स होते हैं क्योंकि वो पायलट को बताते हैं कॉकपिट में जाके कि जनाब पीछे क्या हालात है जहाज के, पैसेंजर्स के क्या हालात है, पीछे क्या किस तरीके से सब कुछ चल रहा है. और खुदा ना खास्ता इफ सम मिसहैप हैपेंस तो वही क्रू जनाब उनको टैकल भी करता है. लेकिन अगर क्रू जहाज का क्रू और पीआईए का क्रू ही पहले आए भी डीजे में और फिर ड्यूटी के दौरान भी नशे में हो और उसके बाद जनाब ड्यूटी जब कर रहा हो उसके दौरान भी वो नशा अपना पूरा कर रहा हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है. एब्जॉर्ब करना, हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ये थोड़ी सी ज्यादती है, थोड़ी सी तो नहीं मैं गलत कह गया, बहुत बड़ी ज्यादती है. और ये बहुत बड़ी ज्यादती है 100 पैसेंजर्स के साथ जो सफर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो दांव पे लगाया होता है कि जनाब हम जा रहे हैं, हम वी आर सेफ एंड साउंड, वी आर ट्रेवलिंग इन दिस एयरक्राफ्ट, वी आर लाइक सेफ जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जनाब कॉकपिट में अच्छे लोग बैठे हुए. जब कॉकपिट में अच्छे लोग बैठे हुए तो पीछे भी अच्छे लोग होने चाहिए ना. पीछे जो क्रू के अंदर क्रू में जो लोग हैं या सीनियर पर्सन जो हैं वो भी सही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना, क्योंकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हो सकता है. सो उनको हैंडल करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए. लेकिन कोई तरीका अनफॉर्चुनेटली नहीं है जिसकी अशद जरूरत है एंड स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स. अगर वो तरीका नहीं है तो फिर पीआईए की नई इंतजामिया जो आई है, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी उनसे बात भी हो चुकी है नई इंतजामिया के साथ और मैंने उनको कहा भी है कि जनाब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, कम अज़ कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जो लोग जो भी करना चाहते हैं उनकी जाती फेल है, वो जो दिल करता है करें, लेकिन जब वो ड्यूटी पे आए तो दे शुड बी 100% वो ना हो. लेकिन यहां पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
मैं इतना कुछ कह गया कि जनाब जो कुछ करना है किसी ने जरूर करे, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनकी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन ड्यूटी पे अगर कोई नशे पे आएगा तो बहुत बड़ा इशू है। और उसमें कई जो मुसाफिर हैं उनकी जाने स्टेक पे हैं, वो उनके जिम्मे हैं। एक इंसिडेंट ऐसा ही हुआ, मुझे पता उसकी इसकी क्या वजह थी, ठीक है शी मस्ट बी हैविंग अ गुड नाइट और अच्छा उन्होंने इंजॉय किया होगा, लेकिन ड्यूटी पे हर कोई बंदा जो भी आए वो अगर सेन हो, 100% हो और नशे में ना हो, तो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती, और जब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो उसमें कई सौ मुसाफिरों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता कि एक खातून, एक क्रू जो नशे की हालत में आई हो और उसके बाद नशे में ही गुजारा करती हो पूरी फ्लाइट का, और फ्लाइट के अंदर भी नशा करने की कोशिशें जारी रखती हो, अफसोस। यही कह सकता हूं कि जनाब आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है, जो दिल करता है अपनी जिंदगी के साथ कीजिए, लेकिन सिर्फ गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ड्यूटी के दौरान जो भी आपकी ड्यूटी है उसके दौरान अगर थोड़ा आप जरा मोहतात तरीके से रहें तो कई मुसाफिरों की जान बच सकती है, कई मुसाफिर अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं अपनी मुसाफत, वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो दिल करता है करें, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नॉट एट द स्टेक ऑफ लाइव्स ऑफ द पैसेंजर्स। दूसरी बात यह है जनाब कि मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा लाइव कॉल्स आपकी लूँगा, कॉल्स कर सकते हैं आप और अपनी कॉल्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने एक बहुत आई वुड से कि बड़ी अच्छी एक तकरीर की, उन्होंने बताया कि उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा क्रिटिसाइज किया, फ्रंट फुट पे आके उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा दुखी थी, और दुखी इसलिए थी कि कुछ वाकयात माजी में ऐसे हैं कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी हो और शायद कई लोग बर्दाश्त ना कर सके हो, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। इमरान खान साहब जो है, आसिफ जरदारी साहब ने उनको आज इमरान नियाजी कह दिया, वैसे भी कहते रहते हैं लेकिन आज उन्होंने दोबारा इमरान नियाजी कह दिया उन्हें, और उस पर उन्होंने कहा जी जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी उस पर इमरान नियाजी उन्होंने ज़रूर कहा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ कहा उस पर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा उनका क्लिप भी, लेकिन उससे पहले मैं अपना पैनल आपके सामने डिस्क्लोज कर दूं, उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। जनाब मेरे साथ मौजूद है उज़्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, समीना खावर हयात साहिबा मुस्लिम लीग काफ से, मियाँ अब्दुल रशीद साहब तहरीक इंसाफ से, और नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी से। नादिर गबोल साहब नबील गबोल साहब के साहबजादे हैं और पीपल्स पार्टी में बहुत एक्टिव हैं। इन सब को मैं खुश आमदेद कहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उज़्मा बीबी, मैं आपको और बेटी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहूँगा, और उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे जी, उनकी सालगिरह थी। और आप हैं कैसी वैसे? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा एक क्लिप दिखाना चाहूँगा आज आपको मरियम बीबी का, क्योंकि मैं मरियम बीबी की आज मैंने देखी वो शॉर्ट देखा और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, देन आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन। दिखाइएगा मरियम बीबी का क्लिप जी। एक डिक्टेटर को भी के लिए भी वही कानून होना चाहिए, एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो इकामा पे निकाला गया वो और उसका पूरा खानदान बार बार पेशी आ रहा है, कानून के सामने पेश हो रहा है, और सारा कानून जो फुर्तियाँ हैं वो उन्हीं के लिए हैं जी। उज़्मा बीबी, मरियम बीबी जिस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं उसमें सच्चाई है, वो तो सबको पता है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इस वक्त जो टाइम दिया गया था
मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को जो JIT बनी और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल का टाइम दिया गया और उसमें कहा गया जनाब के आप ये सारे प्रूफ पेश करें, लेकिन ऐसा प्रूफ पेश नहीं हो सके। फिर इस स्टेटमेंट से क्या जाहिर क्या होता है? बहुत शुक्रिया राना साहब। मेरी गुजारिश पहले तो ये है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो मरीम बीबी ने कहा, मेरे नहीं ख्याल के उसके ऊपर कोई डाउट है। इस तरह से उनको अदालतों ने भी अपने हाथ झाड़ लिए कह के कि अगर जरूरत नहीं है उनकी तो उनको जो है मुल्क से जाने की इजाजत दे दी जाए, और किसी ने भी ये बर्डन लेने की कोशिश नहीं की कि वो जो आर्टिकल 6 का मुलजम है उसको उसको जो है इस मुल्क से नहीं जाने देना चाहिए। वो घर से ठीक ठाक निकलते हैं, अचानक से जो एम्बुलेंस है वो आती है अस्पताल की तरफ और वहां से रिपोर्ट आती है कि जिनकी कमर में बहुत दर्द है, और उसके बाद वो बाहर कितनी अच्छे उनके इलाज हो रहे हैं ये सारी दुनिया ने देखा। जो आपने बात की कि 1-1.5 साल वक्त मिला था, ये वो यही तो तकलीफ है और यही तो जिसको समटाइम्स आप कहते हैं कि जी जारहाना बात है, या वो ये यकीनन एक तलखी जरूर है, और वो तलखी से है कि जो पैनामा से बात शुरू हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था, उस पैनामा के ऊपर अगर सजा होती तो बात कुछ और थी। पैनामा के ऊपर चुनने के बाद वो हीरो की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो इतना अगर सॉलिड केस था तो फिर सजा उसके ऊपर होती तो फिर हमारा शायद जस्टिफिकेशन होती कि वाकई जो जहां से बात शुरू हुई थी वहां है। लेकिन वो निकाल के एक इकामा ले आए, इकामा पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोगों के पास है, इकामा बहुत सारे और पॉलिटिशियंस के पास मौजूद है। सो इकामा होना और ये बात कि जी आपने बेटे से जो है वो तनख्वाह नहीं ली, और एक अलहदा इंटरप्रिटेशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आपका उसकी सैलरी की डेफिनेशन और है, आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन पे अगर एक वजीर आजम को निकालेंगे तो तलखी तो आएगी। और दूसरी बात यह कि एक सेम केस दूसरा चल रहा है इमरान खान साहब का सुप्रीम, उसके अंदर वो कुछ जो भी उनकी बेगम साहबा के साथ लेन देन है उस पर जज साहब का ऑब्जर्वेशन है, अभी तो खैर उसका फैसला आना है, देखना है कि वहां पर जो है वो किस तरह से कानून अमल दरामद करता है। वहां पर बेगम साहबा के और इमरान खान साहब के बीच तो कहते हैं जाती बात है, लेकिन अगर बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली और उसकी डेफिनेशन आपने अनविड्रॉल सैलरी को आपने असासा बना दिया है तो फिर वो आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। और अब आप जो है वो सबूत खोल करने की कोशिश कर रहे हैं राना मुबशर साहब, इंटरम इनकम्प्लीट रेफरेंस दायर किए गए हैं नैब के अंदर, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जो एक प्रोसीजर होता है उसको सुपरसीड किया गया है। जो 500 पेजेस का जजमेंट लिखा है 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल, उनकी जो 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 उससे पढ़ के इन्फ्लुएंस होकर जज बैठेगा वो क्या वो करेगा, फिर उसके ऊपर निगरानी भी आप करेंगे तो फिर ये तो फिर जब बातें होंगी और इस तरह से एक इंप्रेशन मिलेगा कि शायद कोई -1 होने जा रहा है तो तकलीफ तो होगी। मैं एक दो सवाल है मेरे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे सवाल ये हैं कि देखिए अकामा जो है अगर प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा या कोई भी ऑफिस होल्डर होगा उसके लिए वीजा दुबई का लेना इज नॉट अ इशू, और वो तो ऑन अराइवल मिल जाता है अक्सर औकात या ट्रेवल एजेंट दे देता है आपको। सो अकामा का मकसद ये है जिसको लिंक किया जाता है कि वहाँ पे बैंक अकाउंट्स खोले जाए और बैंक अकाउंट्स में पैसे बैंक अकाउंट्स जो है आगे ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि वो UAE रेजिडेंट के तौर पर सामने आते हैं और फिर आगे जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है लाइक टू स्विस अकाउंट्स या जहाँ पे भी जाना हो। सो उसमें इसलिए वो रीजन बनाया गया से, तो उसमें कोई बुराई है या क्या है जी? आपने बड़ी अच्छी बात की राना साहब, इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी जिसके ऊपर अकामा को जस्टिफिकेशन बना के और सैलरी को जस्टिफिकेशन बना के जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो अकामा की कॉपी प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगाई गई थी। उसमें छुपाने का और वो करने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि वो कंपनी जो है वो पिछले 2-3 साल से वो रिडंडेंट थी, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा था, और वो 2014 में जो है कॉन्सिक्वेंटली वो 2014 में रैपअप कर दी गई। अब मेरी गुजारिश यहाँ पर यह है कि जब आपने बात यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन की है रानू बशर साहब, जो मैं एज ए कानूनदान और एक लॉ नोइंग पर्सन, मेरे भी ये सवाल है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और आसिफ सईद खुसा साहब से पढ़ा, वो मेरे लॉ के टीचर थे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपने जो कानून एग्जिस्ट करता है मुल्क के अंदर आपने उसको प्रायोरिटी देनी होती है।
ये नहीं हो सकता कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका जो है वो सैलरी की डेफिनेशन कुछ और दे और आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की कोई डेफिनेशन ले आए जिसका एडिशन ही मालूम नहीं हो रहा कि वो कौन सा है जहां से कोट की गई है। तो फिर सवाल तो पैदा होते हैं कि आपने अगर पैनामा से बात शुरू हुई थी और आपने अगर इतनी मेहनत की दो साल डेढ़ साल के बारे में तो फिर वो पैनामा के ऊपर वो बात वो आपने ट्रायल में भेज दिया सजा भी ये तो कोई तरीका नहीं है ना। इससे तो फिर जाहिर सवाल तो उठते हैं और इससे हमें हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, हम लड़ाई झगड़ा किसी से चाहते हैं, हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क को रहना चाहिए। ओके ठीक है, आपका लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम जो जो एग्रेसिव और हॉस्टाइल किस्म के जो बयानात आते हैं अक्सर उकात, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि आपका कोई झगड़ा है किसी से, यह नहीं है, क्योंकि अब लगता ऐसे है कि आपको एक आपके अंदर एक जहर है, आपके अंदर एक है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट जो कि बिल्कुल जाहिर होता हुआ नजर आता है। सो इसमें छुपाना चाहे भी आप लोग तो छुपता नहीं है, वो लोग वो सामने नजर आता है वो सारा। मैं एक कॉलर ले लूँ, साथ साथ मैं कॉल्स भी ले रहा हूँ, लाइव कॉल्स भी ले रहा हूँ, और एक कॉलर है मेरे साथ, उनसे मैं बात करूँ। जी कौन साहब है जी? मेरा नाम जी जी नुमान साहब। राम साहब मेरा सवाल इन पॉलिटिशियन से ये है, सब पॉलिटिशियन से, कि आज तक मैंने कोई पॉलिटिशियन ये नहीं देखा कि जो अपनी जुमात भी बयान करे। ये क्या इनसे पूछा जाए कि ये सब समझते हैं कि जिस जुमात में वो जुमात सफेद दूध की धुली हुई जुमात है? क्या इनको ये नहीं लगता कि इनके लीडरों में भी खामी है? और क्या इनको ये नहीं लगता कि इनके अपने अंदर भी खामी है, लेकिन ये सब अपनी तारीफें करेंगे, दूसरे के शीशे पे पत्थर मारेंगे लेकिन अपना आधार साफ है? तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये अपनी गलतियों का ना साहब और इस कौम को और अपनी जमातों को एक बेहतरीन जमात बनाए? ये मेरा सवाल है सर। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, आप लाइन पे ही रहिएगा, लेकिन इसका जवाब लेके देता हूँ। मैं पॉलिटिशियन से ही लेके दूंगा, उस्मा बीबी से लेके दूंगा, लेकिन द पॉइंट इज, मैं छोटी सी एक गुजारिश कर दूं, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा। सिर्फ गुजारिश ये है कि लीडर आप बातें कर रहे हैं उन ममालिक की जो 200 साल या 250 साल से आजाद होते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी जो है या जमहूरियत जो है वहां पर 250 साल से मौजूद है या 200 साल से मौजूद है। सो वहाँ के लोगों के उसका कंपैरिजन आप यहाँ पे मत कीजिए, या वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका कंपैरिजन आप यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं दे फॉलो देयर लीडर्स, राइट और रॉन्ग, दे हैव टू फॉलो देम, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती है। एनीवेज एक आपका मजीद जो डिटेल्ड जवाब है वो उज़्मा बीबी देंगी और बाकी जो पैनल के लोग हैं वो दे देंगे। आप लाइन पर रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। जी कॉलर से हमारे साथ जी, वो कहना ये चाह रहे थे, कह ये रहे थे, आप जो जो लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जाता, उनके पीछे सारे पार्टी क्यों निकल आती है, क्यों उनको डिफेंड करने के लिए निकल आती है? इट्स वेरी ऑब्वियस, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी जहाँ पे जमहूरियत दो दो ढाई ढाई साल हो चुकी है, वहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। उज़्मा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन? जी डेफिनेटली, मेरी तो पहले गुजारिश ये है कि हम यहाँ पर जाती हैसियत में मौजूद नहीं होते हैं। आपने मुझे पीएमएलएन की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देने के लिए बुलाया है। हमारी पार्टी के अंदर बहुत डिस्कशन होता है और लीडर्स के सामने वो सुनते भी हैं और हम बहुत सारा डिसेंट नोट भी देते हैं, अपनी तमाम तर बात भी करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी पूरी पार्टी सोचती है, मुझे वो बात आपके सामने करनी होती है। सो शॉर्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लेकिन ये सियासतदान तो भाई मेरा आपसे गुजारिश ये है, सियासतदान तो हर जगह अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को भी अकाउंटेबल है, वो मीडिया को भी है, वो आपको भी है, हर जगह है। काश इस मुल्क में सब जो है वो अकाउंटेबल इसी तरह से हों जिस तरह पॉलिटिशियन होते हैं। गाली भी हमें पड़ती है और इस मुल्क के लिए सैक्रीफाइसेस भी हमें करने पड़ते हैं। अच्छा चले, ऐसे तो बाकी लोग भी करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी करती है। नादिर गबोल साहब कहाँ गए? अच्छा ओके, सो किसकी तरफ? उज़्मा। अच्छा चले उज़्मा, ये आपका कहना ये है कि आपने देना ही देना है, डिफेंड उसको करना ही करना है। एनीवेज मैं एक आपको फुटेज दिखा दूं जरदारी साहब की। जरदारी साहब ने आज बड़ी अच्छी तकरीर की,
और उसमें उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में जो वो प्लान लेके आना चाहते हैं अगर वो कल हुकूमत में आ जाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। उनका एक अच्छा इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, जरा सुन लीजिए। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इस चैलेंज को कबूल करेंगे और हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $60 बिलियन तक 3 साल में लेके जाएंगे। नाजर के बोल साहब, $60 बिलियन तक 3 साल के अंदर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब वो सारा यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। डू यू थिंक पॉसिबल इन 3 ईयर्स, या उससे पहले भी हो सकता है या उससे बाद भी हो, उसके बाद होगा? जी सलाम राना साहब, बिल्कुल वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया कि इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो हम दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह बेनज़ीर शहीद का बेटा बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर करेंगे। और 3 साल क्या, इंशाल्लाह जब हमारी पार्टी आएगी तो हम 3 साल से पहले ही लेकर आएंगे, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज लाएंगे और जो हमने ट्रेड डील्स ऑलरेडी की थी कंट्रीज़ के साथ जो नवाज शरीफ ने आते ही कैंसिल कर दिए, इंशाल्लाह उनको रिस्टोर करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी ट्रेड डील्स थी नादिर साहब जो कैंसिल की मियाँ नवाज शरीफ ने, जो जरदारी साहब ने की थी? हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे थे जिसमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया की तरफ अपनी तवज्जो की, आपने पिछले दिनों भी देखा था कि काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी आई कि एक सिटिंग पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दुश्मन मुल्क के बिजनेसमैन की डोर मीटिंग कर रहा है, तो उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ है। हम लोग का रुझान था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, हमारे नेबर्स, चाइना का जो ये लोग क्लेम करते हैं सीपैक, ये इन्होंने शुरू नहीं किया था, ये भुट्टो साहब की पॉलिसीज थी जिनको हमारी गवर्नमेंट जब आई थी 2008 में तो उन्होंने रिस्टोर किए थे टॉक्स विद चाइना। चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट भी उस ज़माने में आए थे। उसके अलावा ग्वादर पोर्ट का भी जो इफ्तिताह किया गया था वो हमारी गवर्नमेंट में किया गया था 2008 में, तो इसका क्रेडिट ये लोग गलत ले रहे हैं। इनिशिएट किए थे टॉक्स और उसका भी क्रेडिट ये लोग गलत ले रहे हैं। अच्छा, सो आपके ख्याल में जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए गए दैट वाज अ रॉन्ग स्टेप टेकन बाय द नून लीग गवर्नमेंट। सो एग्जैक्टली, और एक और बात जरदारी साहब ने आज की नादिर साहब, एंड दैट वाज के जनाब वो ग्रेजुएशन कार्ड्स इशू करेंगे, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड्स उन्होंने इशू करवाए थे किसी ज़माने में, और एक ग्रेजुएशन कार्ड्स इशू करवाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। जरा एक क्लिप देख लीजिए, मैं फिर उस पर आपके कॉमेंट्स चाहूंगा। हमने अपने बच्चों को भी, अपने ग्रेजुएट्स बच्चों को भी, हमने उनके लिए स्टूडेंट्स कार्ड्स बनाने हैं, उनको ग्रेजुएशन में स्टाइपेंड देना है। जी नादिर साहब, वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस वन, क्योंकि दिस इज अ वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ आसिफ जरदारी। डू यू थिंक दिस कैन हैपन, एंड इफ दिस कैन हैपन कितने अरसे में हो सकता है इम्प्लीमेंट? जिस तरह आपने फरमाया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है वो भी हमारा इनिशिएटिव था और हमने करके दिखाया, जिसके तहत हज़ारों ख़वातीन जो कि बिलो द पावर्टी लाइन है उनको सपोर्ट मिल रही है। तो अगर एक चीज़ हमने आपको डिलीवर करके दिखाया है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यू कैन अस्यूम के ये स्टूडेंट कार्ड भी हम लोग डिलीवर करके दिखाएंगे, बिकॉज द फ्यूचर इज़ द यूथ। मोर देन 68%, अबाउट 70% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज लेस दैन, तो एक हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और जिनको ऑब्वियसली मौके फराहम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, विदाउट विच पाकिस्तान विल बी इन अ वेरी टेंस सिचुएशन। और आप ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये खुद कह रहे हैं कि वी गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक क्रिटिकल फेज के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं तो आप इकोनॉमी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो? आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो बेचारा अपने ऊपर से जो तलवार लटक रही है उसको बचाने के चक्करों में ना, उसका रुझान, उसकी तवज्जो बिल्कुल भी इकोनॉमी की तरफ नहीं है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो लोन पेमेंट्स हमारे सर पे हैं, उसकी वजह से वी आर गोइंग टू फेस अ वेरी बैड सिचुएशन इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। हमारा जो डॉलर रेट है वो आर्टिफिशियली इसको रोका गया है 106-107 पे, ये 110 से ऊपर जाएगा एंड वी डू नॉट हैव द रिजर्व टू पे ऑफ दीज डेट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या कहती हैं इस पे उस्मा? इस पे मैंने सब 2-3 बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो ये गबोल साहब के साहबजादे हैं, यंगस्टर हैं, खुशी हुई मुझे इनको देख के, लेकिन बहुत सारी चीज कॉलेज में नहीं है वो बता देते हैं। ये जो अभी सारी बातें की जरदारी साहब ने,
वो उनके पास पहले पिछले पांच साल की हुकूमत थी और उस पिछले पांच साल की हुकूमत में सवाई करप्शन के रोज की स्टोरीज के अलावा कुछ भी बाहर नहीं निकला। और जब पीपल्स पार्टी की गई उस वक्त डेफिसिट कितना था, हमारा बजट डेफिसिट कितना था और रिजर्व कहाँ खड़े थे पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ जो है वो 400 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो सिर्फ सर्कुलर डेट देखे गए। सो इसलिए ये बातें करना आसान होती हैं, काश ये जो सब चीजें वो कर रहे हैं बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करते हैं। सिंध से, सिंध का कूड़ा उठाने के लिए मलिक रियाज को बैरिया टाउन को बुलाना पड़ता है आपको, कराची का कूड़ा तो उठाया नहीं जाता। और कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक चीज, किसान, हमने किसान पैकेज वज़ीरे आज़म साहब ने अनाउंस किया उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, और उसमें 50% जो है वो सूबों को देना था, 50% वफाक को देना था और सिंध और केपी के जो है इन्होंने अपना हिस्सा उसमें नहीं डाला और इन्होंने वो किसान पैकेज को भी आगे नहीं जाने दिया। सो ये बातें करना आसान काम होता है। इस वक्त अच्छी पोजीशन ये है राणा साहब कि जो जो पार्टी इस वक्त सेडल में अपोजिशन में है वो किसी ना किसी सूबे में जो है वो गवर्नमेंट में है। सो वो ये कह के फारिग नहीं हो सकती, अगर डिलीवर करना है तो बिस्मिल्लाह करें, अपने अपने सूबे से डिलीवर करना शुरू करें और आपने अपने अपने सूबे में जहां आपको मैंडेट मिला है वहां पर आपने लोगों को जवाब देना। तो पिछले 6-7 महीने रह गए हैं सिर्फ अगले जनरल इलेक्शन के ऊपर जाने से। तो यासर जरदारी साहब की ये सारी थ्योरी है अगर सिंध में इंप्लीमेंट हो जाती तो बड़ी खुशी होती, मुझे बड़ा इसके ऊपर इत्मीनान होता। और जिन बातों की जो अच्छा ये बड़ी पुरानी बात होगी, यू नो जब भी आसिफ जरदारी बोलते हैं अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट तो उनपे इल्जाम लग जाते हैं जनाब उन्होंने सूबे में कुछ नहीं किया, उससे आगे कोई और उनपे क्रिटिसिज्म नहीं हो। नहीं देखिए राणा साहब ये गलत क्रिटिसिज्म कर रही है ना, मैं इग्नोर सकता हूं इनको, प्रोजेक्ट अगर मुझे नहीं करना है। हम यहां पर जो है वो अपनी थॉट्स शेयर करने के लिए बैठे हैं और जो वो कह रहे हैं अच्छी बात है, ये तो मैं कह रही हूँ कि कहीं से हमें ये अच्छी शुरुआत हमें ये संभाल के तो नहीं रख लेना चाहिए ना। ये अभी जो ग्रेजुएशन कार्ड की जो बात की है, सिंध में जो है वो ग्रेजुएट्स नहीं है क्या? सिंध के ग्रेजुएट्स हैं उनको सिर्फ फेडरल हुकूमत में जो है वो आने की जो है वो जब तक पीपल्स पार्टी ना आए वो नहीं होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है जो इंडिया के हवाले से भी बात की, ये है मेजर शिफ्ट जो बेनजीर भुट्टो की पॉलिसी में था और जो आज की जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में है। बेनजीर भुट्टो को आपको मालूम है वो हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक चाहती थी, एक मामले पर उनको सिक्योरिटी रिस्क भी कहा गया, उस वक्त उनके ऊपर भी ऐसे ताने मारे गए और कहा जाएगा और वो हो जाएगा। जो इस हम इस खित्ते के अंदर जहां रहते हैं हमारे इर्द गिर्द 3 एटॉमिक पावर्स हैं, हम इस वक्त चाइना, इंडिया और ईरान के साथ हम इस वक्त एसोसिएटेड हैं और ये हमारी क्या हैसियत है? हम तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ इक्वली आगे चलना चाहते हैं। जो स्टैंड आज अमेरिका के साथ लिया है इस हुकूमत ने, काश पिछले मुशरफ साहब ने जो है वो अपने सारे पोर्ट ना दे दिए होते अमेरिका को, और पिछले दौर में जो ड्रोन हमले और उसामा बिन लादन जो है उसको यहाँ आकर जो है वो वहां वापस ना ले गए होते, उस वक्त किसी ने बहुत इसकी बात की होती इस मुल्क की तो शायद बेहतर होता। अच्छा मेरे पास समीना खावर रियाज साहब आए, मैं उनसे भी पूछ लूँ। समीना खावर रियाज साहबा, क्रिटिसिज्म हो रहा है उज़्मा बुखारी साहिबा कर रही है आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट पे और वो कह रही जनाब ये सब कुछ जो है ये मुशरफ कर देते अपनी दौर में, वो सारे यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रिप्स दी थी अमेरिकन्स को वो ना देते एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हाट डू यू से, आप लोग तो उस वक्त यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डू यू थिंक कि वो उस वक्त डिसीजन जो लिए गए थे ठीक थे या वो गलत थे डिसीजन? वो गलत थे तो आप फिर बोलते क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में लिया, थोड़ी हंसी सी आ रही है, आपने मेरी बड़ी अच्छी दोस्त के साथ बिठा दिया, मगर वो दोस्त जो पहले जय जयकार करती थी भाई साहब के जब उनकी जमात में थी, अब वो नून लीग में गई हैं तो नून लीग की बात करेंगी। और मगर मुझे मालूम है इनका पर्सनली मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी है, मगर ये ऐसे रद्दे रद्दो बदल जो करनी होती है ना, पहले उसकी तारीफें जब वो इकतदार में थे, अब इनकी तारीफें ये इकतदार में, कौन सी दूध उन्होंने बहा दिया मुशरफ के बाद जो आज तक मुशरफ का फोबिया इनके अंदर से नहीं जा रहा? कौन से दूध की नहरें इन्होंने पंजाब में और पाकिस्तान में बिछा दी है? फेडरल में भी इनकी गवर्नमेंट है बैठा हुआ है, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट में क्या इन्होंने कर दिया? आज इनको मुशरफ का रोना याद आता है। अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो मुल्क का बेड़ा गरक कर दिया, कुछ शर्म करो, कुछ रियाज करो, आप ही लोगों के मिनिस्टरों की मैं बातें रिपीट कर रही हूँ, बस कीजिए, खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान का पीछा छोड़िए। और ये जो जो करप्शन में मुलविस लोग हैं, आप तो बहुत अच्छी खातून है उज़्मा, आप कहाँ फंस गई हैं? आपको वैसे इंशाल्लाह पर्सनली कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना ये
है ना जिनमें अब आप गई हुई हैं, ये सारे का सारा इंशाल्लाह फंसेगा। और इसको मुशर्रफ नहीं फंसा रहा, उसकी जो बनाई हुई पॉलिसीज है ना जिसके ऊपर आज तक आप लोग अमल कर रहे हैं वो फंसाएगा। और आप अभी ये इमरान खान साहब ठीक है जी वो सीट ले गए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। जो मुरी दौर है, जो मुरी निजाम है, आप लोग जमहूरियत जमहूरियत डिरेल हो जाएगी जमहूरियत को, ये जमहूरियत का वेला करने वाले आज करप्शन में सर तक आए हुए। राणा साहब दिल दुखता है, यकीन करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस असेंबली का पार्ट नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे जाली केस मेरे पे बनाया, जाली डिग्री का, और मैं बाहर हूँ इन लोगों से। इतने जाली लोग असेंबलियों में पंजाब हुकूमत में, मैंने तो उस्मा से बात कुछ सीखा है जब मैं नहीं आई थी 2008 में, उस्मा साहब मुझसे पहले 2002 मुशर्रफ के दौर में थी, तो ये तो बड़ी प्यारी दोस्त रही। और आज ये जब मैं बातें सुनती हूँ इन लोगों की, दिल दुखता है कि क्या हमारे लोगों का, आज हमारा 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। और उस्मा आप बताइए, जब हम दानिश स्कूल के ऊपर ऑफर लेकर आते थे बिल के अंदर, हम एहतजाज करते थे क्लॉजेज लाकर, कमाल है, वो वक्त हम भूल गए। स्कूल में हमारा बच्चा नहीं जा रहा, बच्चे हमारे अब्यूज हो रहे हैं, माएं हमारी सड़कों के ऊपर बच्चे जन रही हैं, ये तो खादमे आला साहब के वादे थे पूरे हो रहे हैं। आप क्या राणा साहब, दुख होता है मुझे, आप क्यों मुझे बिठा देते हैं इन लोगों के साथ। चलो आप ज्यादा दिल बर्दाश्ता ना हो, उज्मा जो है, उज्मा आफ्टर ऑल एक सेंसिबल खातून है और नादर भी एक सेंसिबल बच्चा है। वो उसमें नादर, व्हाट डू यू हैव टू से थिंग्स, बिकॉज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना एंड देन यू नो क्रिटिसाइजिंग द अदर पार्टी व्हिच वी हैव लेफ्ट, व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन, दिस इज लाइक अ रूटीन मैटर राइट। जी राणा साहब, पता नहीं मैं उसको अपनी खुश नसीबी समझूँ या बद नसीबी, आपने मुझे दो खवातीन के बीच में बिठा दिया। शायद खुश नसीबी समझ ले, मेरी लड़ रही है, मैं बचा हूँ, नसीबी समझ ले और बात करने का मौका भी नहीं दे रही है ये। नहीं नादर, पर खुश नसीबी समझ ले एंड गो विद योर ब्लड लाइन। अच्छा खैर, नादर यू आर नॉट लिस्टिंग, नादर यू आर नॉट लिस्टिंग, आई एम सेइंग खुश नसीबी समझे एंड गो विद योर ब्लड लाइन। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो बात है बट ये मुशरफ दोनों बहनें कर रही हैं, जो उज्मा बहन है मेरी जो मुशरफ कर रही है, मुशरफ को किसने जाने दिया? मुशरफ को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, मुशरफ साहब ने तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? हम इसलिए ढूंढ रहे हैं बिकॉज बीबी शहीद का जो शहादत हुई उसके पीछे मुशरफ था। कोर्ट ने भी बोल दिया कि इज एन एब्सकॉन्डर, ECL में उसका नाम होना चाहिए था। आप लोग की हुकूमत है, आप लोग का इंटीरियर मिनिस्टर है, ECL से नाम उसका कैसे हटा? उसको किसने जाने दिया? उसको हमने तो नहीं जाने, भी आप लोग भी ढूंढ रहे हो तो ये तो गलत बात है। देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट था, ठीक है, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया है और हम उसको मानते हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट उसको दिया गार्ड ऑफ ऑनर, बट उसको उतरवाया भी हमने। आप तो डील करके भाग गए थे उसके साथ, सऊदीया भाग गए थे आप लोग, उसी वर्दी किसने उतारी? हमने उतारी, बीबी ने उतारी। मुझे सॉरी, आप क्या बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन है नहीं आपको और आप बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, देखिए उनको पहले इन्फॉर्म्ड कर। I'm running out of time over here. वो उनको समझ नहीं आई वो किसको किसके साथ बात करें नादर, इसलिए वो कह रहे हैं। एनीवेज नादर, नाइस टॉकिंग टू यू। उज्मा भी आपका, आप भी तशरीफ लाई। समीना बीबी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। और कॉलर्स जिनकी मैं कॉल्स नहीं ले सका, मैं माजत ख्वाह उनसे, मैं दोबारा ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज जारी रहे, उनकी कॉल्स आती रहे, उनके सवाल लेता रहूँ, उनके जवाब भी देने दिलवाने की कोशिश करता रहूँगा। फ़िलहाल वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि जनाब आप शो वाइंड अप कर दें नहीं तो कट जाएगा। एनीवेज बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।